So come once again, cook with me and Nanda. So आज हम क्या बनाने वाले हैं, उस सब्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपको दिखाएंगे और एक मिश्रण बना देंगे। साफ हाथों से आप इसे अच्छी तरह से घोल दीजिए। खुल जा सिमसारे गिर जा भाई, शाम का क्या, सुबह भी खा सकते हैं। और बहुत अच्छी एक्टिंग सीख गई है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेलनास की दुनिया। बहुत खुश हूँ मैं दोस्तों कि आपने इतना प्यार आप दे रहे हो मेरे व्लॉग्स को। एंड हमेशा जब मैं हमारी प्यारी नंदा के साथ आती हूँ कुछ खाना बनाने, तो वो व्लॉग तो माशा अल्लाह, मतलब इट डज सो वेल। आप इतना प्यार देते हो, इतना सारे कमेंट्स, और यू नो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो कम वंस अगेन, कुक विद मी एंड नंदा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब कुछ चिकन या सब्जी बच जाती है तो हम सैंडविचेस बनाते हैं नाश्ते के लिए, तो वैसे ही आज एक ऐसा नाश्ता है जहाँ थोड़ी सी सब्जी है हमारे पास जो कल रात को बनाई थी, फ्रिज में रख दी थी, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट इट। सो आज हम क्या बनाने वाले हैं, उस सब्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपको दिखाएंगे। मस्त प्लान है। तो दोस्तों ये है फ्रेंच बीन्स जो थोड़ी सी बच गई, और ये है खपली आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, थोड़ा सा जीरा और अजवाइन, यानी कि गार्लिक जिंजर एंड मिर्ची पेस्ट, कोरिएंडर, कोथमीर जिसको बोलते हैं, धनिया जिसको बोलते हैं, प्याज, ऑनियंस, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्दी एंड हल्का सा गरम मसाला, नॉट मच। अब इस सबको हम मिक्स करेंगे और एक मिश्रण बना देंगे। इसका मिक्स करके एक अच्छा सा आटा बना देंगे। साफ हाथों से आप इसे अच्छी तरह से घोल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और हमारी रोटी बनने के लिए तैयार है। थोड़ा सा पानी, हल्का सा घी डालेंगे। खुल जा सिमसारे गिर जा भाई, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और इसको अच्छी तरह से आपने देखा सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे उसमें मिक्स कर दिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए गाइस, नाइसली मेक द आटा रियली सॉफ्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो चुके हैं। हाईलाइट मैं आपको बाद में बताती हूँ, इस पूरी डिश का हाईलाइट जो होगा, दिस इज बेसिकली बचा हुआ सब्जी के साथ थेपला काइंड ऑफ अ रोटी। अगर आपके पास मेथी होती इसमें तो कोरिएंडर की जगह यानी कि धनिया की जगह हम मेथी भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास आज घर पे मेथी नहीं थी। तवे पे हल्का सा हम घी स्मियर कर देंगे। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, घी डाल दिया तो है, थोड़े से ड्रॉप्स, एंड नाउ आर चलिए। सो ये कैन यू सी गाइस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थेपला, बट थेपला में बहुत सारे अलग इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है ये, क्योंकि इसमें प्याज है, जीरा है, अजवाइन है, मसाले है। सो एज यू कैन सी गाइस, अच्छे से रोटी सेक रही है नंदा। ये जब रोटी पूरी तरह से पक जाती है, इट्स नाइसली कुक्ड, द रोटी इज नाइसली कुक्ड, इट्स नाइस एंड क्रिस्प, तब जाके हमारा स्टार इंग्रेडिएंट इस पे आ जाएगा। हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है अंडा। डोंट मिस द अंडा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टार इंग्रेडिएंट of today's dish. It has to be nicely, the roti has to be covered with the anda, achhe se. As you all can see, it's nicely smeared and covered. Us pe cover kar do, sim kar do and cover kar do. So guys, look at this. Hamara onion thepla with anda is ready. And humne bas ये अभी हमारी बची हुई जो सब्जी थोड़ी सी थी वो ऐड की है। And we are going to cook it for a little while till the sabzi gets a little warm. Now, since the sabzi is warm and nicely cooked, we are going to roll it like a Frankie. Aha! Great!
Did you see it? अभी हमारा गरम गरम नाश्ता रेडी है. हमारी बची हुई सब्जी जो थी रात की with one egg, with some khapli atta and a lot of interesting ingredients in the atta, प्याज और धनिया और मिर्ची इतना भी अगर आप डाल दो तो आप एक बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता शाम का बना सकते हो. शाम का क्या, सुबह भी खा सकते हैं. एंड नंदा ये जो है, जो औरत कम बात करती है लेकिन इसके हाथों में जादू है. एंड आई एम लर्निंग ऑल द नाइस लवली डिशेस फ्रॉम हर. कुछ बोल तेरा बात है. शी सिंग तू बोलते ना बस डालो, मतलब यू आर स्पीकिंग सो दैट्स इनफ. So as you can see, nashta is ready. इसको दो halves में कर दिए हैं. Of course, there is more atta and we are going to make more rotis and we are going to make this Frankie for Percy as well because जब Percy आएंगे तो उन्हें शाम को भूख लगती है तो nashta ready होना चाहिए. But always the first bite goes to Nanda. Bokashar, don't forget the ketchup. बहुत अच्छा और बहुत अच्छी एक्टिंग सीख गई है ये. क्या परफॉर्मेंस है, आप मुंबई आ रहे हैं. नाउ लेट मी ट्राई. स्पाइसी सुपर गाइस, डू ट्राई दिस वन. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डेलनास की दुनिया. बाय बाय. आप भी बना के खाओ.